रोटेशनल मोशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंबाइंड मोशन के कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं। अभी तक हमने दो टाइप के मोशन पढ़े हैं, जैसे कि एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा, फिर प्योर रोटेशनल मोशन पढ़ा। ठीक, ये जो मोशन है इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब है कि रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है। जैसे किसी कार का पहिया होता है, तो जैसे जैसे पहिया तो घूमता भी रहता है और साथ में जैसे कार एक्स डिस्टेंस जाती है तो पहिया जो है वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल भी करता है। तो पहिया के पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और साथ में रोटेशनल मोशन भी होता है। तो इस टाइप का मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा हो, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, इस टाइप के मोशन को जो है कंबाइंड मोशन कहा जाता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे यहां पर एक व्हील है ना, तो व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं कि VCM है ना, और ये जो व्हील है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक, अब ये जो है एक्चुअली में ये कंबाइंड मोशन है। जैसे कार का पहिया होता है तो वो इस तरह से घूम भी रहा होता है अपने एक्सिल के अबाउट, और साथ में उसका जो सेंटर है यानी एक्सिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ भी रहा होता है। तो ये हो गया कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन कहा जाता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब तो ये हुआ जैसे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक घिसट करके चलता है, वैसे ही जैसे अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM हो तो इस व्हील के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो VCM होनी चाहिए, है ना। जितने भी पॉइंट्स होंगे, यहां भी हो इसका भी VCM होगा, अगर यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो इसका भी वेलोसिटी VCM होगा। जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इक्वल वेलोसिटी VCM से जा रहे हो, तो इसको कहा जाता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा। ठीक, और ऐसा ही एक मोशन होता है जो कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब कि जो एक्सिस है वो फिक्स्ड कर दिया गया, ये जो व्हील है इसको इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड कर दिया गया, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब ये होगा कि इस व्हील पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट है तो इसको मैं कहूंगा कि ये ओमेगा इंटू आर से इधर जा रहा होगा, आर जो है इसका रेडियस है। यहां वाला जो पॉइंट होगा ये ओमेगा इंटू आर से नीचे आ रहा होगा, यहां वाला जो पॉइंट है ये ओमेगा इंटू आर से इधर जा रहा होगा, और यहां वाला पॉइंट ओमेगा इंटू आर से इधर जा रहा होगा। अगर बीच में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो ये भी स्मॉल आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर होगी ओमेगा इंटू स्मॉल आर। यानी कि इस व्हील के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन। तो देखेंगे कि ये हमने बताया कंबाइंड मोशन है। कंबाइंड मोशन का मतलब बताया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन, मतलब इन दोनों का सुपरपोजिशन कराएंगे तब जाकर के कंबाइंड मोशन कहलाता है। ये है कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड मोशन में हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो फाइंड किया जा सकता है इन दोनों केस में, जो वेलोसिटी आएगी उनका सुपरपोजिशन करा करके। जैसे मैं बात करूं ऊपर वाले पॉइंट की, तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी VCM होनी चाहिए थी अगर ये ट्रांसलेट कर रहा है तो, और ओमेगा आर होनी चाहिए अगर ये रोटेट कर रहा है तो। यानी ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो VCM प्लस ओमेगा आर होगी अगर ये दोनों मोशन कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड मोशन में ये दोनों ही मोशन कर रहा होता है और एक ही ऑब्जेक्ट कर रहा होता है। उसी तरह से अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे निकालनी हो तो इधर वाली वेलोसिटी होनी चाहिए VCM, जैसा कि यहां दिखाया गया है, सारे पॉइंट VCM से जा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट भी VCM से इधर जा रहा होगा और यही वाला पॉइंट ओमेगा आर से नीचे भी जा रहा होगा, है ना। कुछ इस तरह से
यानी इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी वो कहीं आएगी इधर इन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ। अब जो नीचे वाला पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी VCM होनी चाहिए इधर, जैसा कि यहां पर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बताया गया, और ओमेगा आर उल्टा भी होना चाहिए क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन भी कर रहा है यही वाला ऑब्जेक्ट, तो इधर की तरफ ओमेगा इंटू आर ये वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी VCM इधर होनी चाहिए और ओमेगा आर जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होना चाहिए क्योंकि ये ओमेगा आर भी होना है और ये VCM भी होना है एक ही पॉइंट की वेलोसिटी, यानी इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कहीं इधर आएगी दोनों का रिजल्टेंट। सेंटर जो है क्योंकि ये सेंटर तो रोटेट कर ही नहीं रहा होगा क्योंकि यही पर एक्सिस है, तो इसके पास सिर्फ VCM वेलोसिटी होगी, है ना। तो ये देखेंगे कंबाइंड मोशन हो गया। अब कंबाइंड मोशन में भी जो है तीन केसेज बनते हैं, जैसे पहला केस होता है इसको हम लोग कह सकते हैं स्किडिंग का केस। स्किडिंग में क्या होता है, ऐसा मान लेते हैं कि जो VCM है वो है ग्रेटर देन ओमेगा। स्किडिंग का मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से क्या होता है पहिया का जो घूमना है वो बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो होगा क्या कि उसका रोटेशन जो है वो कम हो गया लेकिन ट्रांसलेशन यानी आगे जाने वाली वेलोसिटी कम नहीं हुई, तो होता क्या पहिया आगे घिसट जाता है, है ना। अगर आप काफी तेज चल रहे हैं अचानक ब्रेक लगाते हैं तो पहिया जो है वो घिसटता है रोड के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं स्किडिंग। मतलब कि रोटेशन तो कम हो गया ब्रेक लगाने से, ब्रेक लगाने से एक टॉर्क लगता है, फ्रिक्शन टॉर्क लगाता है जो कि उसका रोटेशन कम करता है, रोटेशन कम करने का मतलब ओमेगा कम कर देगा लेकिन ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी कौन कम करेगा, वो करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अभी भी ज्यादा है, जब तक फ्रिक्शन लगा नहीं तब तक तो VCM ज्यादा है, और VCM ज्यादा है तो क्या होगा पहिया घिसटेगा, है ना। कैसे घिसटेगा देखते हैं, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है देखेंगे कि ये VCM कहा गया इसमें कि ओमेगा आर से ज्यादा है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर ज्यादा है इधर कम है। तो अगर मैं एक फिगर बनाता हूं यहां पर उसी व्हील का, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आएगी इधर और ये आएगी VCM माइनस ओमेगा आर, क्योंकि VCM बड़ा है ओमेगा आर से ऐसा कहा गया है, तो यानी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी आएगी आगे और ये जिस ग्राउंड पर चल रहा होगा इस ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड तो रेस्ट पर है, ग्राउंड के रिलेटिव में यह आगे जा रहा है, इसका मतलब यहां पर स्लिपिंग हो रहा है, स्किडिंग हो रहा है, यानी रिलेटिव मोशन है। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किधर आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स आना चाहिए पीछे की तरफ और काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए, है ना। इसका जो सेंटर है वो जा रहा है VCM से और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, आर इसका रेडियस है। तो जब भी स्कीडिंग होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगता है और ये फ्रिक्शन जो पीछे लग रहा है वो काइनेटिक नेचर का है, साथ में यही फ्रिक्शन क्या करेगा इस VCM को कम करेगा, यानी आगे जाने से मोटरसाइकिल को कौन रोकेगा, ये वाला फ्रिक्शन रोकेगा, जब तक घिसटेगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, है ना। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील इज काइनेटिक इन नेचर एंड इट एक्ट्स अपोजिट टू मोशन ऑफ व्हील। मतलब देखेंगे इसका मोशन तो इधर है, सेंटर मास की वेलोसिटी इधर है, तो व्हील जा रहा होगा इधर, फ्रिक्शन जो है वो उल्टा डायरेक्शन में लग रहा होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपिंग। वैसे कहने वाले इस केस को भी स्लीपिंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे इसको स्कीडिंग करना चाहिए क्योंकि स्कीड कर रहा है। और स्लीपिंग में क्या होगा कि जो VCM है ये हो गया लेस देन ओमेगा आर, है ना। तो जैसे ये केस था,
इसमें क्या कहा कि वीसीएम ज्यादा है, तो हार्ड सरफेस है, रोड पर जा रहे, अचानक ब्रेक लगाया, तो चूंकि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ ज्यादा है तो पहिया जो है वो रोड पर घिसटेगा, इसको कहते हैं स्कीडिंग। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, ठीक। ये वाला केस है ऐसा कि जैसे पहिया जो है वो कीचड़ में फंस गया है ना। अब जो है आप जो एक्सेलेरेटर दबा रहे तो पहिया गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, उसमें रोटेशन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन आगे की तरफ नहीं जा रहा, यानी आगे वाली जो वेलोसिटी है वीसीएम ये कम है और ओमेगा आर ज्यादा है। तो अब ओमेगा आर ज्यादा होगा, वीसीएम कम होगा, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी तो इधर आ जाएगी। तो कहा जा सकता है कि इस केस में नेट वेलोसिटी जो है वो पीछे की तरफ आएगी, ओमेगा आर माइनस वीसीएम, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी में बता रहा हूं, ये पीछे की तरफ आएगा। एक्चुअली में व्हील तो आगे ही जाने की कोशिश कर रहा होगा और ऐसे रोटेट कर रहा होगा, आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये वाली वेलोसिटी कम है ना। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, तो क्या होगा कि ये जो कीचड़ है, कीचड़ के ऊपर पहिया स्लिप कर रहा होगा, वो गोल गोल घूम रहा होगा वहीं पर, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो आगे की तरफ आएगा और यहां भी स्लिपिंग हो रहा है, उसके ऊपर कीचड़ के ऊपर स्लिप कर रहा है पहिया, तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा आगे की तरफ, यानी कि जो वीसीएम है उसके डायरेक्शन में आएगा। तो इस केस में कह सकते हैं कि नेचर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड ग्राउंड विल बी काइनेटिक एंड फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जिधर इसका मोशन है उधर ही, तो इसका मोशन आगे की तरफ है और फ्रिक्शन भी आगे की तरफ ही लग रहा है। तो आप ये दोनों केस में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है उसको समझते हैं, देखेंगे यहां पर कि जैसे यहां पर वीसीएम बड़ा था, वीसीएम बड़ा था तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन उल्टा प्रोड्यूस करेगा, इधर एक्सेलरेशन देगा ये, है ना, जबकि टॉर्क लगाएगा ऐसे ऐसे घुमाएगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन करेगा क्या, वीसीएम जो कि ज्यादा है, वीसीएम जो ज्यादा है उसको ये कम करने की कोशिश कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, और ओमेगा यहां पर कम है, ओमेगा कम है तो उसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं वी और ओमेगा आर दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहा है, जो बड़ा है उसको घटाने के लिए रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ओमेगा आर छोटा है तो रेडियस तो चेंज कर नहीं सकते, ओमेगा ही चेंज कर सकते हैं, तो ओमेगा को ये बढ़ा रहा है ताकि ओमेगा आर जो है वीसीएम के बराबर हो जाए। यहां पर देखते हैं, यहां पर देखेंगे कि वीसीएम यहां पर छोटा था तो उसी के डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया, यानी कि जिधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, और ये टॉर्क लगाएगा इस बार एंटी क्लॉकवाइज, पहिया को ऐसे घुमाने कोशिश करेगा, है ना। अगर इसको एक्सिस मान लें तो मानेंगे कि यहां कील ठोका हुआ है, यहां फ्रिक्शन लग रहा है तो ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्फा आएगा उल्टा डायरेक्शन में, और इसलिए क्या करेगा ये ओमेगा को घटाने की कोशिश करेगा जो कि ज्यादा है, ज्यादा वाले को कम करने की कोशिश कर रहा है, और वीसीएम जो कम था उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसी की तरफ एक्सेलरेशन आ गया है। तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं जो है, चाहे स्कीडिंग हो चाहे स्लिपिंग हो, फ्रिक्शन जो है वी और ओमेगा आर को बराबर करने की कोशिश करता है। अब आते हैं तीसरे वाले केस में। तीसरा वाला केस जो होता है इसको कहा जाता है प्योर रोलिंग, या कहीं कहीं पर परफेक्ट रोलिंग भी कहा जाता है, और अगर कहीं ऐसा लिखा हो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो इसका मतलब ही यही समझना है। ये तीनों कहा जा सकता है, ये तीनों केस में क्या होगा कि जो वीसीएम है ये होगा ओमेगा आर के इक्वल। पहले वाले केस में वीसीएम बड़ा था ओमेगा आर से, दूसरे वाले केस में वीसीएम ओमेगा आर से छोटा है, और तीसरे वाले केस में ये बराबर है।
तो अगर मैं यहां पर फिगर बनाता हूं, ये फिगर बनाते हैं, तो देखेंगे ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VCM माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहां पर देखें जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी VCM इधर और ओमेगा आर इधर, अगर VCM और ओमेगा आर बराबर हो गए यानी इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नेट वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, देखेंगे ये जो ग्राउंड है या जिस सरफेस पर भी रोल कर रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, है ना। जबकि एक्चुअली में ये VCM से जा रहा होगा और ओमेगा से घूम भी रहा होगा, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएंगे। तो कहते हैं कि इन परफेक्ट रोलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच इट इज रोलिंग, है ना। जिस सरफेस पर ये रोल कर रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होगा। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का यहां मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब ये है कि ये पॉइंट जब तक इसके कॉन्टैक्ट में होगा तब तक तो रेस्ट पर होगा, है ना। लेकिन मतलब अभी रुका हुआ है लेकिन ये ऐसे घूम रहा होगा, तो ये पॉइंट इसे कॉन्टैक्ट में होगा तो रेस्ट पर होगा, लेकिन जैसे ही आगे जाएगा तो अब अगला पॉइंट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, इसके आगे वाला पॉइंट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये पॉइंट ऊपर उठ जाएगा और ऊपर उठते ये चलना शुरू कर देगा, फिर ये रेस्ट पर होगा तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट में है वो रेस्ट पर होगा, कुछ देर बाद ये आगे वाला कॉन्टैक्ट में आएगा, ये फिर ऊपर उठ जाएगा और कॉन्टैक्ट छूटते ही वो चलने लगता है। तो मतलब जब तक वो कॉन्टैक्ट में रहता है उसी इंस्टेंट पर, किसी एक इंस्टेंट के लिए वो कॉन्टैक्ट में रहता है और उस इंस्टेंट पर वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहता है, बाकी सारे पॉइंट जो है वो चल रहे होते हैं उस व्हील के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे चल रहे होते हैं, सिर्फ एक अकेला ये पॉइंट है जो कि स्टेशनरी होता है। मतलब कुछ ऐसे सिस्टम चल रहा होता है, ये ऐसे चल रहा होता है ना। तो अब इस केस में इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग सकता है लेकिन उसका जो नेचर होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। पहली बात तो ये है क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, तो नेचर जो होगा फ्रिक्शन का वह स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन भी तब लगेगा जब स्लाइड होने की टेंडेंसी आएगी। हमने कहा था कि फ्रिक्शन फोर्स दो ही केस में लगता है, या तो रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो यहां दोनों जगह रिलेटिव मोशन था तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, यहां पर रिलेटिव मोशन तो है नहीं तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। नेचर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस ऑन विच इट इज रोलिंग विल बी स्टैटिक, है ना। तो स्टैटिक नेचर का होगा। अब मैं यहां पर ग्राउंड नहीं लिख रहा हूं, आप देखेंगे मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑन विच इट इज रोलिंग, मैं ग्राउंड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है रोल कर रहा है, तो ट्रेन का जो सरफेस होगा उसके रेस्पेक्ट में उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट पर होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर नहीं होगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि जिस सरफेस पर भी चल रहा हो उस सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होना चाहिए। अगर ग्राउंड पर रोल करे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी रेस्ट पर होगा, अगर चलती हुई ट्रेन के ऊपर या चलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर रोल कर रहा है
तो उस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होगा। उसी तरह से जब फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन भी किसके बीच में लगेगा, जिस सरफेस को रोल कर रहा हो, है ना, उस सरफेस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा, और वो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। अब ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन है ये वर्क करता होगा या नहीं करता होगा, आप ध्यान देंगे कि ये जो फ्रिक्शन है अगर मैं इस सरफेस के रेस्पेक्ट में देखूं, क्योंकि जो वर्क है एक्चुअली में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो जिस सरफेस पर ये रोल कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट तो रेस्ट पर है और फ्रिक्शन फोर्स लग का आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा भी तो इसी पॉइंट पर। मैं एक दूसरा फिगर बना देता हूं, अगर इसमें फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन, जैसे अगर किसी ने फोर्स लगा दिया इधर एफ, है ना, इधर फोर्स लगा दिया तो होगा क्या, हो सकता है फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग जाए कहीं, है ना, पीछे भी लग सकता है आगे भी लग सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि फ्रिक्शन आगे लगता है या पीछे लगेगा, ये हम लोग बाद में आगे की तरफ पढ़ेंगे जाकर के, ठीक है। तो अभी मैं मान रहा हूं कि फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लग रहा है, ठीक। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है आप देखेंगे कि ये जिस सरफेस पर रोल कर रहा है ना, ये सरफेस पर रोल कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट रेस्ट पर है, यानी फ्रिक्शन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो तो चल ही नहीं रहा इसके रेस्पेक्ट में, तो पॉइंट ऑफ ऑब्लिगेशन का, फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ ऑब्लिगेशन ये है और ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो वर्क भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से कह सकते हैं कि वर्क डन बाई दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच बॉडी इज रोलिंग, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे ये ट्रेन के ऊपर रोल कर रहा हो तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो माना जाएगा क्योंकि ये रेस्ट पर है इंस्टेंटेनियस कॉन्टेक्ट में, लेकिन तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन खुद ही चल रही होगी, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी चल रहा होगा साथ में ट्रेन के साथ में, ये ट्रेन का पॉइंट हो गया, ये व्हील का पॉइंट हो गया और ये ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड स्टेशनरी है, ये दोनों के दोनों साथ में जा रहे होंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चल रहा होगा, इसलिए मैंने यहां पर ग्राउंड नहीं लिखा है। मैंने क्या बताया कि वर्क डन बाय दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच बॉडी इज रोलिंग, जिस सरफेस पर ये रोल कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में वर्क डन जीरो होगा। अगर ग्राउंड पर ही रोल कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्क डन जीरो आएगा, है ना, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब जो है अगर मान लिया जाए कि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है, परफेक्ट रोलिंग हो रहा है तो ये अपना व्हील है, ठीक है, तो व्हील के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला पॉइंट है पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इस प्योर रोलिंग वाले केस में VCM और ओमेगा आर दोनों बराबर है ना, तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं 2VCM या 2ωr, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे, इसकी VCM इधर है और नीचे है ओमेगा आर, है ना, ओमेगा आर भी VCM के बराबर ही है ना, इस प्योर रोलिंग वाले केस में VCM ओमेगा आर बराबर है, तो मैं इसका नेट जो है वो इधर बता सकता हूं, बिल्कुल 45 डिग्री पर आएगा क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट बराबर है, तो नेट वेलोसिटी जो आएगा ये हो जाएगा रूट टू इंटू VCM, या ये भी कह सकते हैं रूट टू इंटू ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, जब इस पॉइंट पर आएंगे इसकी वेलोसिटी VCM इधर होगी, है ना, और VCM ऊपर भी होगी, ऊपर VCM कर सकते हैं ओमेगा आर कर सकते हैं, दोनों बराबर है, तो इसकी नेट वेलोसिटी जो होगी इधर आएगी और ये भी आ जाएगा रूट टू VCM या रूट टू ओमेगा आर। जो सेंटर है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VCM,
है ना, इसकी सेंटर की VCM है यहां पर, देखेंगे कि चूंकि रोटेशन वाले कारण से कुछ भी नहीं है लेकिन VCM है, तो नेट वेलोसिटी सेंटर की VCM आएगी इसकी। और अगर मान लिया जाए कि कोई बीच में पॉइंट है यहां से r डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट की दो तरह की वेलोसिटी आएगी, एक तो ये सर्किल में भी घूम रहा होगा, सर्किल में घूमेगा तो ये आएगा ओमेगा इंटू स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r रेडियस सर्किल में घूम रहा होगा, और एक आएगा VCM इधर, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूं जो वर्टिकल डायमीटर है, ये जो वर्टिकल डायमीटर है इसके अलोंग देखेंगे कि हाइट वर्सेस ये वाला डायमीटर है, डायमीटर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो देखेंगे ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी है जीरो, और ऊपर वाला जो है इसकी वेलोसिटी है यहां पर 2 VCM या 2 ओमेगा r, ठीक है। तो यहां पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां पर लीनियरली वेरी करता है, कुछ ऐसा आता है, मैं यहां पर ग्राफ बना दो ऐसे, जैसे सेंटर है तो सेंटर पर वेलोसिटी सिर्फ VCM होता है, और ये हाइट कितना है, ये है r, ये हाइट कितना है 2r। तो देखते हैं कि r हाइट पर गए तो वेलोसिटी VCM है, यहां पर 2r हाइट पर गए तो डबल हो गई, 2 VCM हो गई, यानी लीनियरली ये बढ़ रहा है। तो अगर किसी हाइट स्मॉल r पर, मतलब यहां से किसी हाइट पर हमें निकालना हो, यहां से जैसे मान लिया जाए कि यहां से मुझे स्मॉल r हाइट पर निकालना है, तो ये वाली वेलोसिटी v निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, जैसे दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक यहां पर ये और एक ये, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों में है, दोनों में एक एक 90-90 है, तीसरा बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इनके साइड्स का रेशियो निकालूं तो इक्वल आना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी वी लूंगा तो इसकी वेलोसिटी VCM लूंगा, है ना, ये वाला लेंथ का रेशियो इज इक्वल टू हाइट वाला रेशियो, इसका हाइट स्मॉल आर, इसका हाइट कैपिटल आर, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, है ना। तो यहां से देखेंगे कि वी की वैल्यू आ जाएगा VCM इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो अगर ये ग्राफ हमें याद रहेगा, ग्राफ जो है ध्यान रखना है कि ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं, ये जो हाइट दिखाया है और ये वेलोसिटी दिखाया है, मतलब हाइट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ती रहती है, और ये वेलोसिटी किसके अलोंग दिखाया हमने, ये ग्राफ जो बनाया हमने ये दिखाया है वेलोसिटी अलोंग वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट्स ऑन वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर मतलब कि ये जो व्हील है, इस व्हील का जो वर्टिकल डायमीटर है इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ये ग्राफ यूज करूंगा। जैसे इसी वर्टिकल डायमीटर पर ये पॉइंट है तो यहां की वेलोसिटी हो गई जीरो, या इसी डायमीटर पर ये वाली वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी VCM, इसी वर्टिकल डायमीटर पर ये वाला पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी हो गई 2 VCM। तो अगर यहां से स्मॉल r हाइट पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी v निकालनी हो, तो ये मैंने v निकालकर यहां पर आपको दिखाया। तो इस वर्टिकल डायमीटर पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ये वाला जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या ये वाला ग्राफ यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह से ये वेलोसिटी का हमने रिलेशन देखा है, वैसे ही एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होता है ना, उसको मैं यहां पर आगे की तरफ बताता हूं। अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि परफेक्ट रोलिंग में किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना। ये मान लिया हमने कि जो VCM है वो ओमेगा आर के इक्वल है, और ये जो व्हील है ये कंबाइंड मोशन कर रहा है। तो कंबाइंड मोशन को मैंने बताया कि दो तरीके से समझते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हूं, तो सीधा चल रहा हो इसी वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका मतलब है कि कोई एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं अगर इसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलता रहे तो।
लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब प्योर रोटेशनल मोशन में इसको सर्कुलर मोशन करना होता है इस एक्सिस के अबाउ, ठीक, मतलब इसको हम लोग एक्सिस ले लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आता है, यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंटर की तरफ होना चाहिए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसके पास भी एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जो पॉइंट है इसका भी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट के पास ये एक्सेलरेशन होगा जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे। अच्छा, अगर यहां से आर डिस्टेंस पर लेंगे तो ये पॉइंट भी एक्चुअली में आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, तो इस पर इसका भी एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, है ना, ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर ये सिर्फ मतलब कि परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो इस पर, नेट फोर्स जीरो हो और ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो ये एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर मान लिया जाए कि इस पर कोई फोर्स ही लग रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन भी आ गया, अब सेंटर ऑफ मास जो है इधर किसी एक्सेलरेशन एसीएम से जा रहा हो और इधर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आ गया, है ना, और इस तरह से चूंकि परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो एसीएम इज इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए परफेक्ट रोलिंग में, है ना। अब देखेंगे कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, एक तो एसीएम इधर भी आ जाएगा, अगर सारे पॉइंट एसीएम से ट्रांसलेट कर रहे हो तो एसीएम एक्सेलरेशन इधर भी आएगा और नीचे की तरफ अल्फा आर आना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एटी इज इक्वल टू अल्फा आर, सर्कुलर मोशन कर रहा हो कोई पार्टिकल तो ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा आर, है ना। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन इधर भी आएगा एसीएम और इधर आ जाएगा अल्फा आर, हालांकि एसीएम और अल्फा आर इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल होकर के जीरो हो जाएंगे, मतलब इसको और इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, यानी इसका एक्सेलरेशन सिर्फ ऊपर की तरफ होगा। अब यहां पर आएंगे तो इसके पास भी सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन होगा, यानी एसीएम होगा इधर और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास अल्फा आर एक्सेलरेशन होगा। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके पास इधर एसीएम भी होगा और इधर अल्फा आर भी होगा, है ना, यानी अल्फा आर इधर कह सकते हैं, इधर इसका एक्सेलरेशन आएगा एसीएम प्लस अल्फा आर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे इसका एक्सेलरेशन निकालना हो इस पॉइंट का तो एसीएम ओमेगा स्क्वायर आर और ये अल्फा आर, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। यानी यहां पर अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो पहला काम करेंगे एसीएम माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, नेट इधर आया इतना, इसका स्क्वायर प्लस अल्फा आर का स्क्वायर का रूट, ये नेट एक्सेलरेशन आएगा कहीं इधर, इसका एक्सेलरेशन तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो नेट एक्सेलरेशन यही रह जाएगा। इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो इधर आएगा, देखेंगे एसीएम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर एक तरफ है तो यहां पर लिखेंगे एसीएम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं इधर लिख देता हूं, यहां पर ये ओमेगा स्क्वायर आर है, यहां पर लिखेंगे कि आएगा एसीएम और ओमेगा स्क्वायर आर एक तरफ है तो एसीएम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस ये अल्फा आर का होल स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन निकालना हो तो इधर की तरफ आएगा, ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, यानी कि एसीएम प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर का रूट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा, ठीक। कोई जनरल पॉइंट ये है तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर इधर है, एक एसीएम इधर भी होगा
और इधर की तरफ ही आएगा एक अल्फा इंटू स्मॉल आर, तो इसका 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 तीनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग ये मानते हैं कि मान लेते हैं कि VCM और ओमेगा आर है ही नहीं, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल जो डायमीटर है ये वाला डायमीटर, इस लाइन पर, इस वर्टिकल डायमीटर पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, यहां भी जैसे देखेंगे कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एसीएम और अल्फा बराबर है, ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, और ऊपर वाले पॉइंट का देखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर को लेना नहीं है, हम लोग हॉरिजॉन्टल निकाल रहे हैं, तो एसीएम प्लस अल्फा आर होगा, है ना, तो इसका एसीएम प्लस अल्फा आर लिख सकते हैं या टू एसीएम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बीच वाला पॉइंट है इसका तो एसीएम हो जाएगा, बीच वाले पॉइंट का एसीएम केवल होगा, अल्फा आर इसका होगा नहीं, क्योंकि आर इसके लिए जीरो है। तो इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा ग्राफ हमने यहां पर बनाया था, यहां पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने जो ग्राफ बनाया था हाइट वर्सेस वेलोसिटी, वैसा ही ग्राफ जो है यहां पर हाइट वर्सेस एक्सेलरेशन आएगा। अब देखेंगे कि यहां पर ये आर हाइट है और ये टू आर हाइट है, अगर यहां से स्मॉल आर हाइट पर यहां पर वेलोसिटी वी निकालना हो, सॉरी एक्सेलरेशन ए निकालना हो, तो क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्रिंग लेके यहां पर और एक यहां पर, इनका साइज का रेशियो बराबर होना चाहिए, जैसे ये ए लेंगे तो इसका लेंगे एसीएम, ये बीच वाला क्या एसीएम है, इज इक्वल टू इसका हाइट लेंगे स्मॉल आर तो इसका हाइट लेंगे कैपिटल आर, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी एसीएम इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो ध्यान रखना है यहां पर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लिया है, वर्टिकल वाला नहीं लिया है, किसी एंगल पर हो तो नहीं लिया है, अदरवाइज नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो एसीएम अल्फा और साथ में ओमेगा स्क्वायर आर जो है सेंट्रिपिटल वाला एक्सेलरेशन, उन सबका रिजल्टेंट निकालना चाहिए, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना हो तो। ठीक, अब आते हैं हम लोग परफेक्ट रोलिंग पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक डिस्क दिया गया है ना, ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर कई सारे पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि एक पॉइंट है यहां पर ए, एक पॉइंट यहां पर है बी और एक पॉइंट यहां पर है सी। ठीक, अब ये जो डिस्क है, डिस्क का अपना रेडियस है कैपिटल आर और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक, अब ये वी से जा रहा है और ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि वी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर है, कह सकते हैं व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना, तो हमें करना क्या है, अरेंज द वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट्स ए बी सी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखेंगे कि ये तो सेंटर है ना, सेंटर के पास जो वेलोसिटी होता है इसके पास वेलोसिटी सिर्फ VCM आएगा, है ना, इसके पास क्या आएगा, इसके पास VCM इधर आएगा और ओमेगा आर उल्टा आएगा, ओमेगा इंटू स्मॉल आर। तो यहां से क्या पता चला कि VCM में से ओमेगा आर माइनस करेंगे तो इसकी नेट वेलोसिटी आएगी, इसकी VCM हो गई, यानी यहां से तो हमें यह पता चल गया कि वी ए इज ग्रेटर देन वी सी, क्योंकि वी ए जो है
वो तो VCM के बराबर आया और VC जो आया है ये आया है VCM माइनस ओमेगा आर, है ना, ये ओमेगा आर इधर, VCM इधर, तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा। अब इसकी बात करेंगे तो इसकी वेलोसिटी एक तो आएगी इधर VCM और एक आएगी इधर ओमेगा आर, क्योंकि ये सर्किल में भी घूम रहा होगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी आएगी इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट, है ना, चूंकि ये ट्रांसलेशन कर रहा होगा तो हर पॉइंट की VCM तो आनी ही है, VCM आना ही है इधर 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 इसका इधर, है ना, और चूंकि ये जो पॉइंट है बी और सी इस पॉइंट के अबाउट सर्किल में घूम रहे होंगे तो इनका टेंजेंशियल भी आएगा ओमेगा आर इसका और इसका ओमेगा आर, तो इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी VCM माइनस ओमेगा आर और इसकी आएगी VCM और ओमेगा आर का रिजल्टेंट इधर आएगा, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, जो VB है ये हो जाएगा VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर का रूट। तो देख सकते हैं कि VA से बड़ा आ गया VB क्योंकि ये तो VCM है और ये VCM से बड़ा आएगा, एडिशन में कुछ है यहां पर, तो यानी सबसे बड़ा जो है ये हो गया, सबसे बड़ा हो गया VB, है ना, तो इनका ये ऑर्डर हो गया VB इज ग्रेटर देन VA एंड VA इज ग्रेटर देन VC, है ना। अब जो है परफेक्ट रोलिंग पर बेस्ड हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। यहां पर देखेंगे आपकी एक प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है। ये जो प्लैंक है ये खुद भी u वेलोसिटी से चल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लैंक, फाइंड रिलेशन बिटवीन v, ओमेगा एंड u। तो ये तीनों जो वेलोसिटी है इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका एक दूसरा फिगर बनाते हैं। जैसे देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए v माइनस ओमेगा आर, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी v इधर होगी और ओमेगा आर उल्टे डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला पीछे जा रहा होगा, है ना। अच्छा, हम लोग बात करें प्लैंक की, तो प्लैंक की वेलोसिटी u है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये भी u वेलोसिटी से जा रहा होगा, है ना। तो परफेक्ट रोलिंग हमने बताया कि जो राउंड ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा हो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उस सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है जिस पर रोल कर रहा हो। तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर तभी हो सकता है जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो, यानी v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू u होना चाहिए। तो यहां से इनके बीच में रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू u प्लस ओमेगा आर, तीनों वेलोसिटी में रिलेशन आ गया। अगला एग्जांपल है, इसमें देखेंगे कि यहां पर एक सिलेंडर दिया गया है। ये ऐसा सिलेंडर है जैसे जैसे कि आपने देखा होगा कई बार राइस मिल में होता है, ऐसा ऐसे पुलीज होते हैं वहां पर, जैसे एक सिलेंडर हो गया मेरा हाथ और एक पतला सा यहां से ये वाला जो सिलेंडर है ये सिलेंडर ऐसे निकल रहा है इधर, है ना, और इसके ऊपर बेल्ट लगा हुआ है। ये जो चौक वाला जो छोटा सा सिलेंडर दिख रहा है ये वाला, और ये बड़ा वाला सिलेंडर बिल्कुल रिजिड है, मतलब दोनों एक साथ में घूमते हैं, जैसे भी घूमते हैं दोनों साथ में घूमते हैं, ये रिजिड बॉडी जैसे बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इधर घूमेगा ये उल्टा घूमने लगेगा, या एक ही तरफ घूम रहे हो तो अलग अलग अल्फा अलग ओमेगा से घूम रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों रिजिड बॉडी जैसे हैं, एक बड़ा सा सिलेंडर है और एक छोटा सा सिलेंडर इससे बाहर निकला हुआ है, इस पर स्ट्रिंग लपेटा गया है या बेल्ट लपेटा गया है और उस बेल्ट को यहां पर ला करके ब्लॉक से अटैच कर दिया गया। कहा गया कि जो सिलेंडर है इसका एक्सेलरेशन है ए और ये अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक। तो इनके टर्म्स में हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी पता करना है ना। इफ सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बी की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि यहां पर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है या बेल्ट अटैच्ड है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, क्योंकि जब भी हमने रोटेशन पढ़ा है तो हमने ये माना है कि रोटेशन में स्ट्रिंग हो बेल्ट हो कहीं स्लिप नहीं करता, तो स्लिप नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन इधर होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का भी होना चाहिए। अगर इसका एक्सेलरेशन बी है तो इसका एक्सेलरेशन भी बी होना चाहिए, ठीक।
अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली में सिलेंडर के वर्टिकल डायमीटर पर पड़ेगा, है ना। तो मैं वर्टिकल डायमीटर जो है यहां पर ड्रॉ करता हूं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो होता है जीरो, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो होता है ए प्लस अल्फा आर, है ना, या टू ए लिख सकते हैं या टू अल्फा आर लिख सकते हैं अगर इसका रेडियस दिया हो तो। इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, बड़े वाला सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर और छोटे वाले का स्मॉल आर, ये दिया हुआ है, ठीक। अब जो है ये जैसे पॉइंट है बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ए है। ये ग्राफ हो गया, जैसा यहां पर ग्राफ बनाया गया है यही वाला ग्राफ मैं दोबारा यहां बना रहा हूं, है ना। इसमें थोड़े दूसरे कलर से बना लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे ये इसका ग्राफ है, ठीक, ये हो गया 2a एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a होगा, और इसके नीचे ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे यहां पर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो है b, ठीक। तो देखेंगे कि ये जो हाइट है ये हाइट है कैपिटल R के बराबर, मतलब इसका जो सेंटर है वो इस बड़े वाले सिलेंडर के रेडियस के बराबर हाइट पर पड़ेगा ग्राउंड से, है ना। और ये वाला पॉइंट कितने हाइट पर पड़ेगा, देखेंगे कैपिटल R में से स्मॉल R माइनस करेंगे तो ये वाला हाइट निकलेगा, ये आएगा R माइनस R, यानी ये जो हाइट है यहां से यहां तक का ये हो गया R माइनस स्मॉल R। तो जैसा कि पहले करते आए हैं, जैसे यहां भी हमने दो सिमिलर ट्रायंगल में जो है रेशियो निकाला था, वैसे यहां भी दो सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे, एक ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसमें हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका और इसका रेशियो निकालता हूं, बी बाई ए मतलब इस साइड का डिवाइड बाई ये वाला साइड। उसी तरह से छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट और बड़े वाले का ये वाला हाइट, छोटे वाले का हाइट जो है आर माइनस आर है और इसका जो हाइट है यह है कैपिटल आर। तो यहां से बी का जो वैल्यू है वो निकाला जा सकता है, ये आ गया ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, है ना। तो इस तरह से ए के टर्म में जो है इसका एक्सेलरेशन आ गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम लोग, ये एग्जांपल जो है परफेक्ट रोलिंग से ही रिलेटेड है। देखेंगे एक इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो रिलीज किया गया है। कहा गया है राउंड ऑब्जेक्ट हैविंग रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रिलीज्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, वी हैव टू फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो मैंने राउंड ऑब्जेक्ट जानबूझ करके इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं डिस्क ले लेता या एक सॉलिड सिलेंडर ले लेता तो एक ही के लिए हो जाता ये जो सॉल्यूशन है। मैं एक जनरल सॉल्यूशन चाहता हूं कि कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट होगा, यानी सिलेंडर हो, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सबके लिए ये जो फॉर्मूला मैं ड्राइव करूंगा वो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सके, इसलिए मैंने ये जनरल सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक राउंड ऑब्जेक्ट मान लिया है और रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो है के। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप देखेंगे कि एक तो आएगा इस पर एम जी फोर्स नीचे की तरफ, एक आएगा यहां पर नॉर्मल फोर्स ऐसे, और एक आएगा फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ एफ। तो एम जी को हम लोग चाहे तो रिजोल्व कर सकते हैं, एम जी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर एम जी साइन थीटा और एक आएगा इधर एम जी कॉस थीटा, ठीक। अब ये जो राउंड ऑब्जेक्ट है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होना चाहिए और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। चूंकि ये ऑब्जेक्ट रोटेशन ट्रांसलेशनल दोनों कर रहा है, चूंकि ये कंबाइंड मोशन कर रहा है, तो मैं इसका दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहता हूं। इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखेंगे एक्सेलरेशन की तरफ एक फोर्स है एम जी साइन थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में है एक फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इसका रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहूं इसको एक्सिस मान करके, तो इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल का और mg का तो टॉर्क ही नहीं आएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल और mg इसी पॉइंट से पास करें तो उनका टॉर्क आएगा नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और वो आएगा f इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा।
आई जो है राउंड ऑब्जेक्ट का मैं लिख सकता हूं एम के स्क्वायर, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन के दिया हुआ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू अल्फा। चूंकि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो मैं ए इज इक्वल टू अल्फा आर भी लिख सकता हूं। ये तीसरा इक्वेशन आया। अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करता हूं, ठीक है। तो पहला काम तो हम लोग ये करेंगे कि दूसरे और तीसरे को सोल्व करते हैं। एफ इंटू आर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू, ये जो अल्फा है अल्फा की वैल्यू यहां से मैं रखूंगा ए बाई आर, है ना। तो यहां से फ्रिक्शन आ गया एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब इस एफ की जो वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं पहले वाले में, तो यहां से आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू रखूंगा ये एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें इसको उधर ले जाएंगे तो एम ए कॉमन लिया जा सकता है वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसमें से एम और एम कैंसिल कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये एक जनरल आंसर हो गया। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर डिस्क होगा तो डिस्क का रेडियस ऑफ डायरेक्शन रख देंगे, अगर सॉलिड स्फीयर होगा तो सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ डायरेक्शन रख देंगे यहां पर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन ये है तो फ्रिक्शन कितना आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें डालते हैं ना, तो फ्रिक्शन हो जाएगा एम इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए, ए की वैल्यू यहां से रखेंगे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे कि ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो ये आ गया फ्रिक्शन। अब इसमें कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि सफिशियंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना होना चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करता रहे, है ना। परफेक्ट रोलिंग करने के लिए सफिशियंट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये जस्ट स्लिप होने वाला है, तब वहां पर मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। जस्ट स्लिप होने वाला लेकिन परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लिप, लेकिन परफेक्ट रोलिंग जो है वो अभी कर रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है मैं इसको रख दूंगा एफ मैक्सिमम, और ये होना चाहिए म्यू इंटू एन इज इक्वल टू म्यू। आप देख सकते हैं कि जो एन है एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो मैं एन का वैल्यू रख देता हूं म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो यहां से एम जी और यहां से एम जी कैंसिल हो गया, तो म्यू है इसकी वैल्यू हो गई टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, है ना। मतलब ये जो है ये मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि इस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पर जस्ट स्लाइड करने ही वाला होगा। इससे ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो तो सफिशियंट है ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू मिनिमम इज इक्वल टू टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर फॉर प्योर रोलिंग और परफेक्ट रोलिंग, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. ये जो एग्जाम्पल है वो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है. जैसे इस एग्जाम्पल में हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सेलरेशन का या फ्रिक्शन का या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, इनका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और उस रफ इंक्लाइन प्लेन के टॉप मोस्ट पॉइंट से फोर ऑब्जेक्ट्स को रिलीज किया गया. एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है ना. सबको रिलीज किया गया, रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ रफ इंक्लाइन सरफेस. इफ ईच ऑब्जेक्ट हैज इक्वल मास एंड इक्वल रेडियस एंड फ्रिक्शन इज सफिशियंट फॉर परफेक्ट रोलिंग, देन व्हिच ऑब्जेक्ट विल रीच द बॉटम फर्स्ट. इन चारों में से सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? तो सबसे पहले नीचे वो पहुंचेगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा. तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, जो यहां पर हमने ड्राइव किया है, ये है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए जी तो बराबर ही होगा, थीटा भी बराबर होगा, रेडियस सबका बराबर दिया ही है, के जो है सबका डिफरेंट हो सकता है. तो अगर मैं बात करूं रिंग के लिए, है ना, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है एम आर स्क्वायर. अगर मैं इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहूं तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू आर. अगर डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क के लिए आई होता है एम आर स्क्वायर बाई टू. अगर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा आर बाई रूट टू. उसी तरह से अगर सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं, यहां से आएगा के इज इक्वल टू रूट 2/5 आर, है ना. उसी तरह से होलोस्फेयर के लिए, होलोस्फेयर के लिए आई जो होता है ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर. अगर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना हो तो आई को एम के स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां से के का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा रूट 2/3 आर. ठीक, तो इसमें से देखेंगे सबसे कम रेडियस ऑफ जायरेशन किसका है. सबसे कम रेडियस ऑफ जायरेशन है सॉलिड स्फीयर का, सबसे ज्यादा है रिंग का, है ना. तो सबसे कम सॉलिड स्फीयर का है, सबसे कम जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा वो जल्दी पहुंचेगा, है ना. तो कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सॉलिड स्फीयर. अब एक और केस हो सकता है, जैसे इसमें पूछा नहीं गया लेकिन मैं अलग से बताता हूं कि अगर मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो परफेक्ट रोलिंग के लिए सफिशियंट नहीं होता. व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट फॉर परफेक्ट रोलिंग, अगर परफेक्ट रोलिंग के लिए सफिशियंट नहीं है फ्रिक्शन, फिर क्या होगा? फिर तो सारे स्लाइड करके भागेंगे ऐसे. जैसे हम लोग पढ़ते थे फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्लॉक है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो क्या होता है, स्लाइड करके भागता है सब. वैसे ही सारे के सारे स्लाइड करके, ऐसे जैसे ब्लॉक फिसलता है वैसे ये भी फिसलते हुए भागेंगे तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के, और एफ के की वैल्यू होती है कितनी, म्यू एम जी कॉस थीटा, और इधर फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा. तो एक्सेलरेशन सबका बराबर आएगा. जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है और स्लाइड करके ऑब्जेक्ट चलते हैं तो इनका एक्सेलरेशन कितना आता है, आप देखेंगे एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है एम जी साइन थीटा और उल्टा है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा. म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो है सब में से कैंसिल हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना. अब यहां पर ये अगर माना जाए कि जो म्यू है सबके लिए बराबर है, म्यू सबके लिए अगर बराबर होगा, थीटा बराबर है ही, जी बराबर है ही, तो सब एक साथ में पहुंचेंगे. अगर फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं है परफेक्ट रोलिंग के लिए, तो अगर परफेक्ट रोलिंग के लिए फ्रिक्शन सफिशियंट नहीं है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा म्यू एन के बराबर होता है.
अगर म्यू सबके बीच में बराबर दिया गया हो तो ये एक्सेलरेशन आएगा, सबका एक्सेलरेशन बराबर आएगा। और इस केस में हम लोग ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल एक्सेलरेशन ले ही नहीं रहे, क्योंकि पहुंचाया कौन इधर, पहुंचाने के लिए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, रोटेशन वाला तो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये एक्सेलरेशन सबके लिए बराबर है, इसलिए सब जो है साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचेंगे।